कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 12 अध्याय 12 कठिन समाकल इंटीग्रेशन अंडर रूट 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx का क्या मान ज्ञात करो। इंटीग्रेशन क्या अंडर रूट लिखा 5 माइनस साइन का, इससे क्या हो जाएगा, ये 4x माइनस बन गया और एक्स स्क्वायर किस में प्लस में बदल गया dx। सबसे पहले तो इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, तो हम क्या लिखे, हमारे पास जो फार्मूला है a प्लस बी सॉरी a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से किसकी x स्क्वायर माइनस 4x की क्या कर देंगे तुलना। जब इससे हम इसकी तुलना कर देंगे, इससे हम इस पद की क्या कर देंगे तुलना कर देंगे, तो तुलना करने पर देखिए क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बराबरी से ए की घात 2 बराबरी से एक्स की घात 2, घात 2 को हटा देंगे तो ए बराबरी से एक्स, ध्यान दो तो क्या 2ab बराबरी से 2ab बराबरी से ऋण से ऋण कट गया 4x, 2 4 को काट देगा तो किसका मान ए बी का मान आ गया कितना 2x। अब हमें से सब जानते हैं कि a की वैल्यू x आ गई, तो अगर a की वैल्यू को आपने x रखा तो x इंटू बी बराबरी से 2x, x से x कट गया मतलब b का मान कितना 2 हो गया, इसलिए जब b की घात 2 लिखेंगे तो 2 दूनी कितना 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है यह हमको 4 को लिखना पड़ेगा। अब जब हम यहाँ अंदर 4 लिखेंगे तो वो तो ऋण 4 होगा, तो धन 4 बाहर आ जाएगा, तो इस प्रकार से इसका जो हल है कुछ इस प्रकार से होगा 5 क्या लिखेंगे 5 प्लस 4 माइनस, अंदर यहाँ लिखा धन 4 लग रहा है लेकिन वास्तविकता में क्या ऋण है, माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर क्या dx इंटीग्रेशन, तो ये 5 धन 4 कितना 9 ऋण। इसको हम क्या लिख सकते, इसको हम लिख सकते x माइनस 2 होल स्क्वायर dx। इसको अगर आगे और कन्वर्ट करना चाहे तो ये कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान दीजिए 9 को हम क्या लिख सकते 3 की घात 2 ऋण x ऋण 2 पूरे की घात 2 dx। यहाँ एक फार्मूला आता है, उस फार्मूले को ध्यान से समझेंगे क्योंकि फार्मूले के ऊपर ही ये कुछ आधारित है। तो फार्मूला हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, इंटीग्रेशन क्या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो तो हम उसको कैसे लिखते, उसको हम लिखते 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ये हमारे पास कंप्लीट क्या है फार्मूला है, तो इस कंप्लीट फार्मूले में हम इसको सेट करेंगे तो हमारे पास ध्यान रखना है ए स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर है, तो जो जो वैल्यू आ रही है उसको हम लिखेंगे। तो पहले क्या 1/2, फिर लिखा है एक्स मतलब एक्स माइनस 2, इसके बाद लिखा है अंडर रूट मतलब ये पूरी वैल्यू, तो ये पूरी वैल्यू को हम डायरेक्ट वही लिख दें जो हम हल कर रहे थे, तो हम हल क्या कर रहे थे 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद में प्लस किसका ए वर्ग, ए वर्ग मतलब 3 का वर्ग, 3 का वर्ग मतलब 9 बटे कितना 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए मीन्स एक्स माइनस 2/3 और प्लस सी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही, शेष कल धन्यवाद।